प्रेगनेंसी एक बहुत खूबसूरत एहसास होता है, पर वो अपने साथ बहुत से फिजिकल एंड कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स भी लेके आता है, जैसे कि स्ट्रेच मार्क्स। हालांकि फिजिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि बैक पेन, वीकनेस टाइम के साथ साथ कम हो जाती हैं या डिलीवरी होने पे पूरी तरह से चली भी जाती हैं, बट ये कॉस्मेटिक स्ट्रेच मार्क्स प्रॉब्लम एक लेडी के साथ लाइफ लॉन्ग रहती है। इसीलिए हर प्रेग्नेंट लेडी चाहती है कि उसे स्ट्रेच मार्क्स ना आए, बिल्कुल ना आए, या तो वो आए तो वो चले जाएं। और इसीलिए मैं आज के वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी स्ट्रेच मार्क्स के बारे में कि वो क्या होते हैं और क्या ये पूरी तरह से गायब हो सकते हैं, और जो कंपनियां दावा करती हैं क्या वो सच होता है। स्ट्रेच मार्क्स एक्चुअली में एक टाइप का स्कार होता है जो कि स्किन की निचली सतह में प्रेजेंट कोलाजन फाइबर्स के टूटने से आता है। इसीलिए इस टूटे कोलाजन को पहले जैसा करना पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले हम स्ट्रेच मार्क्स को जान लें वो कैसे शुरू होते हैं। वो शुरुआत में रेड कलर के लाइन मार्क्स की तरह आते हैं जो स्किन की खिंचाव से बनते हैं। इसमें काफ़ी इचिंग भी स्टार्ट हो जाती है। फिर टाइम के साथ साथ वो ब्राउन कलर में आ जाते हैं और वो काफ़ी भद्दे दिखने लग जाते हैं। फिर और 2-3-4 महीने बाद डिलीवरी के वो वाइट कलर के मार्क्स में दिखने लग जाते हैं, जो काफ़ी लूज और गंदी स्किन के साथ अच्छे नहीं दिखते। मार्केट्स में कई क्रीम्स दावा करती हैं कि वो इनको इनके आने को रोक सकती हैं या स्ट्रेच मार्क्स को बिल्कुल ही हटा सकती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ कि हमें अपनी स्किन को सिर्फ मॉइस्चराइज रखना चाहिए ताकि स्ट्रेच मार्क्स टाइम के साथ कम विजिबल होंगे और स्किन भी कम लूज होगी और कम रफ़ लगेगी। तो इसके लिए क्या हमें ये मार्केट में एक्सपेंसिव क्रीम्स यूज़ करने चाहिए? नहीं, हम इसके लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्वीट आमंड ऑयल। एक प्योर क्वालिटी का स्वीट आमंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, या कोकोनट ऑयल को मॉइस्चराइजर की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। प्योरली एक्सट्रैक्टेड मार्केट से लिया हुआ आप प्योर कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो एलोवेरा जेल प्योर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। ये ना हो सके या और भी अच्छा अगर क्वालिटी यूज़ करना चाहें तो शिया बटर प्योर फॉर्म में भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। कई स्ट्रेच मार्क्स क्रीम का एक कंपोनेंट होता है और बहुत कम परसेंटेज में वो देते हैं, क्यों ना आप इसको प्योर फॉर्म में यूज़ करें। ये ना हो तो आप कोको बटर को भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी प्योर फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में, जो आप इसको लेके मॉइस्चराइज कर सकते हैं। तो आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें, टाइम के साथ ये स्ट्रेच मार्क्स कम दिखेंगे और काफ़ी स्मूथ लगने लगेंगे, और आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, खुद को मॉइस्चराइज रखें।